नेता जी, पहले आप ये बताइए, आपने आईटी की जॉब छोड़ी जुम्बा के लिए, और जॉब छोड़ने के बाद आप कुछ बीमारियों से भी घिरे रहे, जैसा कि हमने सुना है। तो थोड़ा सा आप अपने शुरुआत के दिनों के बारे में बताइए, जब आप कॉलेज के दिनों में थी, उस तरह आपने क्या सोचा करती थी आप, और जुम्बा का ख्याल कैसे आया? सो जब मैं कॉलेज में थी, मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं, तब मेरा एक ही गोल था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगी, लेकिन डांस मेरा पैशन था। पर जैसे मैं घुसी कॉर्पोरेट लाइफ में, तो बहुत स्ट्रेस था एक कॉर्पोरेट लाइफ का, जैसे होता है यंगस्टर के लाइफ में, और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे बहुत सारा स्टमक इन्फेक्शन हो गया, मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। एक पॉइंट तक मुझे एंग्जाइटी हो गया था लाइफ में, इट्स नॉट अ गुड थिंग, डिप्रेशन हो गया था, एंड मुझे कुछ किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था एक्सेप्ट फॉर डांस। तो मैं तब डिसाइड किया, तब मैं बॉम्बे में थी, कि मैं फुल टाइम अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आई टुक दिस वेरी टफ डिसीजन कि मैं डांस प्रोफेशनली मैं स्टार्ट करूं। हमारे साथ हमारे मास्टर ट्रेनर है छत्तीसगढ़ के देव सर, जो बहुत लकी है, क्योंकि शुरू में इनको समझ में आ गया था कि करियर पहले से ही डांस में बनाना चाहिए था, लेकिन मैं उतनी लकी नहीं थी, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और फाइनली मेरी डेस्टिनी और मेरी लक अच्छी थी, आई वुड से, कि मुझे एक चांस यूएस में मिला जाने के लिए। 2009 में मैं यूएस गई, और वहाँ पे मैंने डिस्कवर किया जुम्बा। और जुम्बा ऐसा चीज़ था जो एक फिटनेस फॉर्मेट है। लोगों को लगता है ये डांस फॉर्म है, लेकिन ये डांस से इंस्पायर्ड हुआ एक फिटनेस फॉर्मेट है। सो मेरे लिए ये परफेक्ट था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे पास कोई करियर ऑप्शन नहीं था, आई वॉन्ट टू बी अ डांसर, लेकिन बहुत स्ट्रगल था। और मैंने एक चीज़ ऐसा खोजा जिससे मेरी हेल्थ, खुद अपनी हेल्थ ठीक हो सकती है, बहुत लोगों का हेल्थ मैं ठीक कर सकती हूँ, फिट रख सकती हूँ अपने आप को, लोगों को फिट रख सकती हूँ, और मैं इसका एक करियर बना सकती हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को प्रोफेशन लूंगी। जैसे किसी भी करियर में आपको एक डिग्री चाहिए, उसी वे से आपको जुम्बा में भी एक डिग्री लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्टर लाइसेंस। और यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के जो मास्टर ट्रेनर है, जो ये लाइसेंस देते हैं, देवांजन सर, उनको बोलते हैं जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट। मैं भी हूँ, मेरी टीम देवांजन सर भी है, वहाँ यूएस में भी है। तो मैंने वहाँ जाके प्रॉपर लाइसेंस लिया, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर का। और उसके बाद में मेरी मास्टर ट्रेनर इंडिया की, और अभी मैं वापस इंडिया में इस प्रोग्राम को ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप यूएस से यहाँ पे आए, तो इस तरह यहाँ अपने देश में जुम्बा को लेकर किस तरह क्रेज था, ये लोग वाकई में जानते थे? ऑफकोर्स, शुरू में जब मैं नहीं थी इंडिया में, तो मेरे पहले जुम्बा जो ब्रांड है वो कुछ इंटरनेशनल जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट को भेजते थे, क्योंकि इंडिया में कोई नहीं था जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट, मतलब कि मास्टर ट्रेनर नहीं था। तो हमारे इंडिया में 100 इंस्ट्रक्टर थे, उसमें से सबसे पहले जो इंस्ट्रक्टर थे उसमें से देवांजन सर के थे। तब मैं इंडिया में नहीं थी, थोड़ा बहुत क्रेज था, और इन लोगों ने बहुत मेहनत करके थोड़ा सा क्रेज थोड़ा बढ़ाया जुम्बा का। और जब मैं आई, तो मेरे पास क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं विद द एग्जिस्टिंग जुम्बा इंस्ट्रक्टर, जो लाइसेंस इंस्ट्रक्टर्स है देव सर जैसे, और मेरा जो रोल है एज अ मास्टर ट्रेनर जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट का जो रोल है, वो है जुम्बा का ब्रांड ग्रो करना, और ये लोगों को समझाना कि इसको आप करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो वो एक चैलेंज था कि कैसे हम एक फिटनेस फॉर्मेट को, जो जिम में नहीं सिखाते हैं, जिम में सिखाते हैं बट मशीन को लेके नहीं सिखाते हैं, एक डांस फॉर्मेट से इंस्पायर हुआ है। बॉलीवुड एक पार्ट है, लेकिन बॉलीवुड नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फॉर्मेट्स भी है, अदर फोक डांसेस भी है, और इसमें कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो वो माइंड सेट चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हम सब जिम पर जाके हमने इस चीज़ को ग्रो किया। तो बॉम्बे, दिल्ली, पुणे में बहुत ग्रो कर रहा था ये चीज़, बट वी वर स्ट्रगलिंग इन द स्मॉलर सिटीज। अभी जाके रायपुर में, जैसे मैं अभी आई हूँ, तो ये बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि जो मेरे टीम है देव सर, और जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो कम्युनिटी है, और भैया जैसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है हमें, या नियर फिट जैसे हमारे एसोसिएशन हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस चीज़ को आज ग्रो कर पाए। तो हमें 5 साल लगे अभी, और मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने अपना लाइफस्टाइल बहुत बर्बाद करके रखा था, जब तक मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने अपने आप को इतना हानि पहुँचाया है। आई डिडंट गो टू वर्ड्स फिटनेस। आई थिंक काफ़ी माइंड सेट चेंज हो गया है इस वक्त सर, कि लोगों को समझ में आ रहा है कि उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल्स नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों के पीछे दौड़ना पसंद आता है, एंड एट द सेम टाइम उनको एक अपना एक करियर से अर्निंग भी करना है।
वेरी इम्पोर्टेंट दैट पीपल घंटे में दिन में एक घंटा निकाले अपने लिए, एक घंटा भी नहीं आधा घंटा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आज सब कर रहे हैं वही करना है। अगर आपको योगा पसंद है तो आप योगा करो, अगर आपको रनिंग पसंद है रनिंग करो, अगर आपको कुछ फन चाहिए, आपको डांस पसंद है या मूवमेंट पसंद है तो आप जुम्बा करो, आपको कुछ जाके जिम में आपको वेट उठाना है हाई, आप सब करो, लेकिन अपने आप को एडुकेट करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका लाइफ है और आपके लाइफ में ये सोच के चलना है कि क्या 60 ईयर्स जब मेरी होगी या 70 ईयर्स मेरी होगी क्या मेरा लाइफस्टाइल यही रहेगा या मुझे क्रश लेके चलना पड़ेगा। तो वो एक विजन रहेगा तो आप सब अपना कसरत टाइम पे करोगे और खाने पे बहुत ध्यान। जैसा भी हेल्थ के लिए ऑफकोर्स मैं तो चाहूंगी कि फिटनेस जो साइंस है ये स्कूल्स में इट शुड बी अ सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है आज इंडिया में, पर ये गोल है एक्चुअली हमारा कि हम इस चीज को स्कूल्स में स्टार्ट करें। सो देवांजन सर जो है इससे बड़े एग्जांपल नहीं हो सकते हैं। देवांजन सर यू टॉक अबाउट कि आप स्कूल्स में कैसे सिखाते, बहुत मजा आया एक्चुअली मुझे उनको सिखा के। वो एक परफेक्शनिस्ट है, वो हर चीज मैं क्या बोलूँ जब तक उनको आता नहीं है सब वो छोड़ती नहीं है तो मेरी वर्कआउट हो गई उनके साथ एक्चुअली। अबर बहुत मजा आया, बहुत सिंपल है हार्ट की और आई हैव टू से शी इज वेरी फिट और उनको जुम्बा करने में बहुत ज्यादा मजा आया। मैम बॉलीवुड में आपने और किन को तो सिखाया है विपाशा बसु के अलावा? ये एक्चुअली कुछ जो है मेरे क्लाइंट्स मैं ओपनली नहीं बोल सकती, तो आई वुड लाइक टू बहुत हम्बल फील होता है क्योंकि ये मैंने अकेले ये अवार्ड, मुझे नहीं लगता कि मुझे अकेले का है ये अवार्ड, ये अवार्ड पूरा जुम्बा कम्युनिटी ने साथ में मिलके अचीव किया है बिकॉज वी आर इंस्पायरिंग। हम आज रायपुर अगर हम देखें तो शुरू में कुछ गिने चुने बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स थे और आज आप देखोगे तो वो कम्युनिटी बहुत बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि वो हर घर में जुम्बा हो, राइट, जस्ट जिम और स्टूडियो में नहीं हो। और देवांजन सर, हम बहुत सारा बड़ा टीम है जो इस चीज़ को हम कर रहे हैं साथ में। सेकंड इसकी विमेन में ये फिटनेस का जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक होना चाहिए एडिक्शन, वो मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे लास्ट में विमेन अपने लिए सोचते हैं, महिलाएं अपने आप को लास्ट प्रायरिटी देती हैं कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, पहले बच्चे फिट हो जाएं, हमारे हस्बैंड फिट हो जाएं, हमारे पेरेंट्स फिट हो जाएं, पर अगर हम फिट नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने जॉब को, अपने परिवार को नहीं देख सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है इस अवार्ड के साथ कि अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो मुझे और अच्छे से उसको निभाना पड़ेगा, तो मेरी वो फीलिंग है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे बात की, पत्रिका से बातचीत के लिए थैंक यू।